हेलो बच्चों, एसिड क्वेश्चन क्वेश्चन है। इवैल्यूएट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 18 टी प्लस 45 डी टी इज फोर ऑप्शंस आर गिवन। करेक्ट ऑप्शन फाइंड करना है हमें। इंटीग्रेशन क्या सॉल्व करना है? आई इज इक्वल टू 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस का कितना है 18 टी है। इसको पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे हम, तो इसका हाफ करेंगे तो 9 आएगा। 9 का स्क्वायर कितना आएगा 81, तो 81 को ऐड करेंगे एंड 81 को ही सेपरेट करेंगे एंड माइनस प्लस सॉरी प्लस का कितना है 45 है और इनटू में हमारा डी टी। तो फाइनली आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 18 टी एंड प्लस का 81। ये हमारा बनेगा टी माइनस 9 का होल स्क्वायर बन जाएगा एंड 81 माइनस का 81 प्लस का 45। सो ये वैल्यू आ जाएगी हमारा माइनस का सॉरी कितना आएगा 36 आएगा। माइनस 36 माइनस 36 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है 1 अपॉन 2 ए इंटू लॉग ऑफ मोड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए होता है। तो फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज कर देंगे तो ये फाइनली आ जाएगा 1 अपॉन 2। 36 को क्या ले सकते हैं 6 का स्क्वायर ले सकते हैं, तो 1 अपॉन 2 इंटू 6 आएगा और इंटू में आ जाएगा हमारा लॉग ऑफ मोड टी माइनस 9 माइनस का 36 आएगा सॉरी माइनस का 6 आएगा। ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी की 6 आएगी और अपॉन में टी माइनस 9 प्लस का कितना जाएगा 6 आ जाएगा एंड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो फाइनली आ जाएगा 1 अपॉन 12 इंटू लॉग ऑफ मोड टी माइनस का ये हमारा बन जाएगा 15 टी माइनस का 15 और अपॉन में आ जाएगा हमारा टी माइनस का 3। टी माइनस कितना आएगा ये 3 आएगा एंड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अगर इसमें से माइनस को बाहर लाए इसको हम रिवर्स करते तो माइनस लॉग के साथ बाहर आएगा, लॉग के प्रॉपर्टी यूज कर देंगे तो फाइनली बन जाएगा माइनस का 1 अपॉन 12 इंटू में लॉग ऑफ मोड टी माइनस 3 अपॉन में आ जाएगा टी माइनस का 15 एन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन टी। तो इसमें हमारा जो कौन सा ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओपन सिटी फाइल बेस्ट ऑफ लाइक। थैंक यू।